स्वागत है आपका सीएनसीसी टीवी न्यूज में। उत्तर पूर्वी दिल्ली की हिंसा के पीछे कौन है, इसकी जांच शुरू हो गई है। दिल्ली के साइबर सेल ने इस मामले में अब तक एक दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन एफआईआर में कई लोगों के नाम हैं और इसकी जांच की आंच कई संवेदनशील नामों तक पहुँच सकती है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल इस बात की अब तक एक दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई एफआईआर को सीलबंद रखा गया है जिससे उनकी गोपनीयता भंग न हो। यह एफआईआर उत्तर पूर्वी जिले में अब तक हुई 123 एफआईआर से अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन जन जागृति अभियान मैगजीन के साथ जुड़े। विज्ञापन और अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर संपर्क करें। कोरोना वायरस ने चीन में ऐसा आतंक मचा रखा है कि इसे लेकर कई तरह की अफवाहें भी उड़ने लगी हैं। तेलंगाना में भी एक ऐसी अफवाह फैली है कि चिकन से कोरोना वायरस की चपेट में लोग आ रहे हैं। इसी अफवाह को खत्म करने के लिए तेलंगाना के कुछ मंत्रियों को मंच पर सबके सामने चिकन खानी पड़ी। दरअसल तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव, एटेला राजेंद्र, तलसानी श्रीनिवास यादव और अन्य ने कल हैदराबाद में मंच पर चिकन खाया ताकि ये अफवाहें खत्म हो जाएं कि कोरोना वायरस चिकन और अंडे के माध्यम से फैलता है। समाचार एजेंसी ANI ने इसकी कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। मंच पर चिकन खाकर इन लोगों ने इस अफवाह पर विराम लगाने की अपील की कि चिकन या फिर अंडे से कोरोना वायरस फैलता है। बता दें कि कोरोना वायरस इतना घातक है कि चीन में इससे मरने वालों की संख्या 2788 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे YouTube चैनल CNCCTV न्यूज को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक।